नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। मैं हूँ महिमा सक्सेना। आइए बात करते हैं कुछ खास खबरों की। तमिलनाडु के गोपी सेतीपालयम के कालीपट्टी में पूर्व मुख्यमंत्री करुणा निधि की प्रतिमा लगाने का काम चल रहा है। अयाकट्टू क्षेत्र में जिस स्थान पर प्रतिमा लगाई जानी है, और डीएमके ने आरोप लगाया है कि डीएमके उचित अनुमति प्राप्त किए बिना अवैध रूप से प्रतिमा बना रही है। लोक निर्माण विभाग और जल संसाधन विकास विभाग की ओर से बीजेपी ने कहा है कि गोपी के पास मूर्ति के उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आने वाले मुख्यमंत्री स्टालिन को वे काला झंडा दिखाएंगे। काम का निरीक्षण करने पहुंचे मंत्री मुथुचामी कल्लीपट्टी में पूर्व मुख्यमंत्री करुणा निधि की प्रतिमा लगाने के संबंध में मीडिया से बातचीत में कहा कि कानून की अनुमति लेकर यहां पूर्व मुख्यमंत्री करुणा निधि की प्रतिमा लगाई जाए और वह प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होंगे। त्रिपुर संवाददाता सुब्रमण्य की रिपोर्ट। அது மட்டுமல்லாமல் சட்டத்திற்கு புறம்பாக ஒன்றும் இருக்கக்கூடாது, அத்தனையும் சட்டப்படி இருக்க வேண்டும் என்றுதான் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். எனவே சட்டப்படியான அனுமதியை முழுசும் வாங்கிக் கொண்டுதான் நாங்கள் செய்ய இருக்கிறோம் என்பதை நான் தெரிவிக்கிறேன். முதல்வருடைய உத்தரவே அதுதான். நீங்கள் சட்டப்படி எல்லாம் செய்ய முடிஞ்சால் எனக்கு கூப்பிடுங்க, அதை எல்லாம் செய்ய முடியலனாக்க எப்போ முடியுதோ அன்னைக்கு கூப்பிடுங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் சட்டப்படி எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்து தான் நீங்கள் சிலை திறக்க நடவடிக்கை எடுக்கணும். சிலையுடன்